मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में लगातार गैंगरेप के मामले बढ़ रहे हैं। 15 साल में बेटी को नहीं बचा पाए, हमारी विधायक धरना देकर भ्रष्ट अधिकारी को बदलने की बात कह रही थी लेकिन सरकार ने 15 दिन नहीं सुना। वहीं बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पर शर्मा ने कहा कि भाजपा सभी 25 प्रत्याशी बदल सकती है क्योंकि इनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे हैं। वहीं मौन प्रदर्शन पर कहा कि पूरे प्रदेश में हम मौन रहकर काली पट्टी पहनकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं मंत्री बिसाहूलाल सिंह को लेकर कहा कि मंत्री को नोट बांटने पड़ रहे हैं, यह केवल नोट ही बांट सकते हैं, सब नोट बांटने वाले उजागर होंगे। और नारायण पटेल भाजपा के प्रत्याशी होकर कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार गैंगरेप हो रहे हैं, पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं, इसमें कल की घटना भोपाल के बैरागढ़ की है। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल में भी बेटी नहीं बची और आज भी यही स्थिति है। और जो नरसिंहपुर की घटना थी जिसमें हमारी विधायक सुनीता पटेल बाबा कही थी धरने पर बैठी 15 दिन तक, विधानसभा के सामने बैठी, जो इस तरह के रोज केस हो रहे हैं। भोपाल में अगर आज देखें समाचार पत्रों को तो आत्महत्याओं का जो है पेज भरे हुए हैं, रेप से की खबरों से पेज भरे हुए हैं। ये हालत आज मध्य प्रदेश की कर दी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है